देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके बीच का एंगल थीटा दिया गया है, और एक कंडीशन दी गई है कि भाई अगर ए बी क्रॉस ए हुआ है, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ तो रिजल्टेंट क्या होगा। आपने कहा सर अगर वी क्रॉस सी करेंगे, ए बी क्रॉस ए करेंगे तो अगर मान लीजिए रिजल्टेंट सी आ रहा है और उसको हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए का बी के साथ, एम आई राइट बेटा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसको सी कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू ए बी, यानी ए से भी 90 डिग्री पे होगा और बी से भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है जो वेक्टर सी आ रहा है और ए के बीच में एंगल जो है वो 90 है। मसला यहाँ डॉट प्रोडक्ट का है, तो कॉस थीटा आएगा और कॉस 90 इज इक्वल टू 0, अर्थात फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा जा चुका है।